ये फिल्म आज के एक अहम मुद्दे को उठाती तो है, लेकिन अपने पीछे ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जाती जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। फिल्म है लव सोनिया। फिल्म के लीड रोल्स में मृणाल ठाकुर, फ्रीडो पिंटो, मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा और आदिल हुसैन। गेस्ट अपीयरेंस में नजर आते हैं राजकुमार राव और अनुपम खेर। फिल्म की कहानी है मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले एक किसान की, जिसके परिवार में बीवी के अलावा दो बेटियां भी हैं। उस किसान यानी आदिल हुसैन के ऊपर एक जमींदार यानी कि अनुपम खैर का काफी सारा कर्जा है, जो कि वो चुका पाने में नाकामयाब रहता है और जिसकी वजह से उसे उस जमींदार की काफी खरी खोटी सुननी पड़ती है। तंग आकर एक दिन वो किसान अपनी बेटी प्रीति को उस जमींदार के हाथों बेच देता है और वो जमींदार उसे बिकवा देता है मुंबई के कोठे पर। प्रीति की बहन सोनिया किसी भी हालत में अपनी बहन को वापस लाना चाहती थी और उसे वापस लाने के चक्कर में खुद सेक्स रैकेट के दलदल में फंस जाती है। अब सोनिया अपनी बहन प्रीति को और खुद को वापस गांव ला पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव है और आज देश और दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लाखों लड़कियां हर साल फंस जाती हैं। इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने के लिए मैं फिल्म मेकर्स की तारीफ जरूर करता, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ कि फिल्म अपने पीछे कोई भी मैसेज छोड़ती नजर नहीं आती है, जो कि इस तरह के सब्जेक्ट पर बनी फिल्म में होना बहुत जरूरी है। एक सपाट कहानी बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की और उसकी बहन किस तरह से एक चकले या फिर कोठे पे फंस जाती है और वहां पर किस तरह से अपनी जिंदगी बिताती है। फिल्म में कोठे, चकले, सेक्स को खूब ढंग से परोसा गया है, खूब ढंग से दिखाया गया है। इन लड़कियों का इन जगहों पर कैसे कैसे यूज किया जाता है, कितना उत्पीड़न इन्हें सहना पड़ता है, किस किस उम्र के लोग इनके साथ क्या क्या गलत करते हैं, इन सब पर फिल्म में खूब रोशनी डाली गई है। इतना ही नहीं, इन चकलों को खूब ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस भी इन लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट करती है और इनका फेवर करती है। अगर कोई लड़की भाग के पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो ये पुलिस वाले ही वापस उसे कोठे पर ले आते हैं। फिल्म में कोठे वालों को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि पुलिस वाले उनके आगे एकदम बेबस नजर आते हैं। या तो फिल्म में दिखाया जाता है कि लड़की किसी लालच या फिर किसी और वजह से खुद उनके चुंगल में फंस गई, ताकि दूसरों को ही सबक मिलता कि इस तरह से करने से कैसी नर्क भरी जिंदगी बितानी पड़ सकती है। बट फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन है भी, लेकिन सेकेंड हाफ तो एकदम पल्ले पड़ता ही नहीं। कहानी कहीं की कहीं निकलने लगती है। इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ मत देखिएगा। फिल्म के बाकी डिपार्टमेंट की बात करें तो सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफी सुस्त है। अचानक से कहानी में एक ठहराव सा आ जाता है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आपको खुद फील होने लगेगा कि फिल्म किस जोन में जा रही है। कभी ये फिल्म आपको पैरेलल सिनेमा लगेगी तो कभी ये आर्ट फिल्म लगेगी। एक्टिंग की बात करें तो मृणाल ठाकुर ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म इंडस्ट्री में वो लंबी चलेंगी, बशर्ते कि वो भविष्य में इससे बेहतर स्क्रिप्ट चुने। मनोज बाजपेयी का काम भी फिल्म में अच्छा है। जितना हो सके उन्होंने फिल्म में गालियां दी हैं, कुछ गालियों को म्यूट कर दिया गया है और कुछ गालियों में म्यूट बटन दबाना भूल गए हैं। ऋचा चड्ढा ने ठान लिया है कि अब वो उसी तरह की एक्टिंग करती आएंगी जैसा उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर से शुरू किया था, तो उनके धीमे बोले गए डायलॉग्स फिल्म में सुने जा सकते हैं। अनुपम खेर का ज्यादा बड़ा रोल है नहीं, एक दो गालियां देके वो भी फिल्म में अपनी प्रेजेंस दिखा जाते हैं। राजकुमार राव अपनी फिल्मी करियर के इस पड़ाव पर आके इतने छोटे छोटे रोल क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है, बट उनका काम अच्छा है। आदिल हुसैन एक बहुत ही गंभीर किस्म के एक्टर है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अपने किरदार को किस तरह से पर्दे पर दिखाना है। फिल्म में मृणाल ठाकुर के बाद अगर कोई एक्टर इम्प्रेस करता है तो वो है आदिल हुसैन। फिल्म में गाने हैं नहीं, फिल्म का एक सीन तो पूरा का पूरा पॉर्न फिल्म लगता है। गॉड नोज की सेंसर से इस तरह के सीन्स कैसे पास हो जाते हैं। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स। कुछ लोगों का ये फिल्म देखने का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन किसी भी नजरिए से इस फिल्म को आप फैमिली के साथ ना देखें। हैव ए नाइस डे।